हेलो बच्चों, वेरी वेरी गुड आफ्टरनून। हम लोग सीखेंगे आज आपका सीबीएसई का जो टॉप ऐसे क्वेश्चन होते हैं मॉक टेस्ट पेपर के लिए, जो बहुत ज़्यादा आवश्यक हैं, जो ऑल प्री मेडिकल टेस्ट में आते रहते हैं, ऑल इंडिया प्री मेडिकल टेस्ट में और भी कई चीज़ों में। ठीक है, तो ऐसे ऐसे जो क्वेश्चनों को जो यदि मैक्सिमम रूप से आप बढ़िया से सॉल्व कर लेते हैं तो जनरली आप क्या कर पाएंगे ना, बहुत अच्छे तरीके समझ पाएंगे। और इतना भी लापरवाही नहीं होना चाहिए लाइक अ पटवा कि अपना मसीदी निकाला ये गलत तो चलो आप तो यहाँ पे एक पार्ट के साथ मास एम 5 के जी इन द मूविंग विद द और यूनिफॉर्म बी इक्वल टू 3√2 इन द ओ एक्स वाई, देयर इज द ओ एक्स वाई। यहाँ पे ऐसे कर दीजिए, एक फिगर बना रखा है जिसका नाम दे रखा ओ एक्स एंड वाई एक्सिस है ना। The plane along the y equal to आपका x plus y का magnitude of the angular momentum, magnitude of the angular momentum of the particles, the axis यहाँ की बातें करा, origin axis पे कितना होगा, अर्थात that means angular momentum पूछ रहा है, इस पे होना चाहिए particles axis of the origin, origin पे कितना होगा, and given this is your option। तो बच्चा देखिए एंगुलर मोमेंटम की बातें की जा रही है, तो एंगुलर मोमेंटम में हम लोग ये जानते हैं फॉर्मूला एम वी आर, स्मॉल आर कैपिटल आर जो भी आप लगाएं ये चीज चाहिए। तो मास तो ऐसे सिंपल सा देख रहा है, ठीक है, आप यहाँ पे मास इतना दिख रहा है, वेलोसिटी भी आंसर दिख रहा है, बट ओनली वी नीड टू डेट वर्क आर चाहिए, आर तो है नहीं, और आर तभी पॉसिबल होगा यानी रेंज तभी इसका पॉसिबल होगा यदि कोई यहाँ पे पॉइंट है कहीं भी, चाहे यहाँ पे कहीं भी इसका पॉइंट है, तो उस पॉइंट पे कहा जाए यदि रेंज इसका कितना, यदि निकालने की बातें की जा रही हैं तो इस केसेस में आपको देखना कि यहाँ पे जो लाइन दे रखा है, लाइन वाई इक्वल टू एक्स प्लस 4, तो तुरंत आपके दिमाग में ख्याल आ चुका वो ये आप लोग क्लास 10th में भी पढ़ चुके हैं मैथमेटिक्स में, यानी यहाँ पे जब इस तरह से बात किया जाता है तो वी आर यूजिंग द स्लोप, स्लोप की बातें की जाती है, स्लोप की बातें की जाती है, जैसे ढलान की बातें की जाती है, तो वाई इक्वल टू फॉर्मूला होता है क्या होता है एम एक्स प्लस सी, याद आ रहा होगा आप लोग को एम एक्स प्लस सी। तो आप इसे कंपेयर करिए एक्स ने 1 है सी के ने 4 है, सी के ने क्या है हो गया 4 और यहाँ पे एम मिला कितना 1, तो एम इक्वल टू टेन थीटा, स्लोप ढलान के लिए एम इक्वल टू टेन थीटा, तो टेन थीटा इक्वल टू आप यहाँ पे देख पा रहे हो, ठीक है, यहाँ पर आपका देखा जाएगा कि टेन थीटा, टेन थीटा में जनरली हम लोग क्या करते हैं परपेंडिकुलर अपॉन बेस, हाँ तो परपेंडिकुलर अपॉन बेस, तो ये यहाँ पे क्या कर रहा है कि 5 केजी जब ये मूविंग कर रहा है ओ एक्स वाई पे अलाउंड है एक्सिस लाइन पे मैग्नीट्यूड ऑफ यहाँ पर मोमेंटम आप क्या ओरिजिन से लेके इसकी ओरिजिन से लगा है यहाँ तक टॉप लेवल तक जा रहा है, तो डेट इस ओरिजिन पे जा रहा है, तो देयर दिस जो इक्वेशन हुआ करता था ना एक्स प्लस बी वाई प्लस सी ये होता, उसके बाद हम लोग क्या कर देते रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, एक फॉर्मूला होता है, ठीक है। अब ये हम लोग सिंपल सा इसको फाइंड आउट करके आर में कन्वर्ट कर लेते थे रेंज के लिए, तो रेंज के लिए बच्चा जब यहाँ निकल जाएगा तो सिंपल सा देखिए ना व्हाट इज द सी, सी को ये हो गया 4, इसे कंपेयर कर लीजिए एक्स की वैल्यू यहाँ पे कुछ नहीं तो एक्स की वैल्यू 1, यहाँ पे एक्स यहाँ एक्स है यानी एम की वैल्यू 1, एक्स इक्वल टू 4 एक्स एक्स मिल गया एम इक्वल टू 1 और यहाँ वाई वाला वाई से मिल गया, ठीक है। तो बेसिक रूप से आप ये देख पाएंगे तो इस कंडीशन में क्या हो जाएगा 4, व्हाट इज यहाँ पर ए, ए की वैल्यू कितना है, मतलब ए की वैल्यू ये एक्स के आगे वाला ए एक्स होता है, इसका इक्वेशन यदि आप लिखते होंगे याद होगा तो एक्स बी वाई प्लस सी, एन इसका फॉर्म होता है, देखिए एक्स के बगल में ए, तो ए का मतलब नथिंग एट द 1 कुछ नहीं तो क्या होगा 1 है, ठीक है, तो 1 हो गया तो 1 का स्क्वायर कितना होगा 1 होगा, हाँ। अब नाउ वाई ऑफ द बी, वाई का बी तो वाई का कितना है पे 1 है, बट इसको आप इधर मूव करो माइनस हो जाएगा, माइनस 1 का स्क्वायर क्या होगा 1 ही होगा ना, तो आप सिंपल सा क्या करोगे आप आर कैपिटल आर स्मॉल आर जो भी आप लिखे हैं लिख सकते हैं, यहाँ पर हमने स्मॉल आर माना तो स्मॉल आर हो गया है, तो सिंपल सा बच्चा क्या करना है यहाँ पे 4 माइनस कितना आ जाएगा 1/2 हो जाएगा, तो क्या इसको हम फैक्टर करके लिख सकते हैं ना 2/2 आ गया, हाँ ऐसे एक बार और लिख दीजिए 2/2, इसको दोबारा ऐसे लिख देखो कि हम ये ऐसे डायरेक्ट कट कर सकते हैं, तो यहाँ पर आर कितना हो गया 2/2 हो गया 2/2, अब इसी ला कर दिए जो आएगा ये हमारा क्या आ जाएगा आंसर हो जाएगा, इसको करिए तो हमारे ख्याल से जो आपका पहला आ जाएगा 60 आ जाएगा,
कैसे रख देख लीजिए, एंगुलर मोमेंटम इक्वल टू यम, यम कितना है 5, देखिए वेलोसिटी इज द गिवन 3√2 एंड आर को अभी हम लोग ने फाइंड आउट किया कितना आया आपका 2√2 ठीक है, पहले क्या है सिर्फ एक आया एक तो हो जाएगा, हाँ 5 × 15 आप 15 की जा 30 और 32 जा 60 ठीक है, यानी यम इक्वल टू 60 क्लियर, और का आंसर देखिए तो ही मार्क के द्वारा 60 यूनिट की जान से और फर्स्ट की जान से ओवरऑल इस तरह से जब दिया ना तो तुरंत क्वेश्चन पूरा क्वेश्चन पढ़ने की जरूरत नहीं, लेकिन एक बार पढ़ लीजिएगा कि जब ओरिजिन पॉइंट पूछा कोई भी लाइन दे दिया यहीं से आपका कमाल है, यहाँ पे हमें y इक्वल टू एक्स प्लस 4 पे लिख चलना है, यहीं पर स्लोप लगाना है y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी, यही आपका फार्मूला जो काम होता है ना y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी, तो यहाँ पर देखिए यम की होता है आपका 10 थीटा ठीक है, यहाँ पर इसका कोफिशिएंट, इसका कोफिशिएंट लेके फाइंड आउट कर लेते हैं, जब ओरिजिन कहेगा तो देखिए यहाँ पे ओरिजिन यदि नहीं कहता ना, देर इज ओरिजिन नहीं कहता ना, तब आपको ही पूरा वैल्यू लिखना पड़ता है एक्स बी वाई प्लस सी, ए और एक्स जो यहाँ पे इक्वेशन रहता इसके साथ लिख देना, फिर इसके साथ लिखना पड़ता, यानी एक्स रहता फिर माइनस वाई भी रहता प्लस 4 भी रहता, तब वहाँ पे ओरिजिन के जाना तब यहाँ पे कोऑर्डिनेट देता ए और बी के मान में कोई 3 कहता कोई 2 कहता कोई 6 कहता फिर इसका वैल्यू दे देता, तो वहाँ कर देते तो बहुत सिंपल सा लगता है ठीक है, तो इस बार एकदम आप जुनून के साथ जाओ फोड़ के आ जाओ, यस एकदम फिजिक्स में ओवरऑल कैरी करना है ठीक है, केमिस्ट्री फिर आपका जियोलॉजी पार्ट में जिंदा हो, आई होप आपको समझ में आया, लाइक सब्सक्राइब शेयर करते रहें, थैंक यू। वेरी वेरी गुड आफ्टरनून, हम लोग देखते हैं आपका दिन का जो है बहुत अच्छे टॉप लेवल की कोर्स में है, आपके मॉक टेस्ट पेपर के लिए बहुत ज़्यादा फायदेमंद होंगे, आप लोगों ने सभी लोग मैक्सिमम मैं आशा करता हूँ हम आप लोग क्लियर कर चुके हैं ठीक है, तो आप जितने भी पढ़ चुके हैं उसको धड़ाधड़ रिपीट करना शुरू कर दीजिए, डेली आपका रिपीट होना चाहिए, मैक्सिमम फिजिक्स का जो है आप 30 क्वेश्चन 45 क्वेश्चन आप एकदम पूरा सॉल्व कीजिए, यानी मिनिमम आपका जो है 30 क्वेश्चन होना चाहिए, सिंपल से जो क्वेश्चन इन द सेम नेटवर्क और यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड एट राइट एंगल टू द डायरेक्शन ऑफ मोशन ऑफ इलेक्ट्रॉन एज द रिजल्ट द इलेक्ट्रॉन मूव इन अ सर्कुलर पाथ ऑफ द रेडियस 2 सेंटीमीटर इफ स्पीड ऑफ इलेक्ट्रॉन इज डबल, इफ स्पीड ऑफ इलेक्ट्रॉन इज डबल देन रेडियस ऑफ सर्कुलर पाथ विल बी, इसका सर्कुलर पाथ कितना होगा ये चीज़ें हैं, और आपका ऑप्शन जो है दे रखा है योर ऑप्शन इज 2.04 और इतना 2.04 एंड 8 इन सभी का जो इतना सेंटीमीटर गिवन कर रखा है, तो जल्दी बस यहाँ देखिए क्या किया जाएगा ना, इस तरह से क्वेश्चन में क्या करा यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड, तो मैग्नेटिक फील्ड यहाँ देखा यूनिफॉर्म है, डेट मीन्स एक ऐसा कोई बॉडी होगा जो सर्कुलर पाथ पर जो ट्रेवलिंग कर रहा होगा, सर्कुलर पाथ पर जो मूव कर रहा होगा ठीक है, चाहे क्लॉक वाइज में चाहे एंटी क्लॉक वाइज, उससे कोई विशेष हुआ नहीं है, इसको थोड़ा और बढ़िया बना दीजिएगा, बनाना क्या आपको तो कॉम्पिटिशन में बैठे ना ठीक है, तो यानी इसका कुछ ना कुछ रेडियस होगा, आर रेडियस होगा, जब ये मूव करेगा तो यहाँ पे फोर्स हमारा सेंट्रीपेटल फोर्स होता है, जो ऑलरेडी आप लोग स्टडी कर चुके हो क्या mv² / r सेंटीपेटल पे फोर्स हो गया, और जब सेंटीपेटल पे फोर्स हो गया तो कह रहा कि इलेक्ट्रॉन इज डबल, यहाँ पे जो रेडियस उसके क्या कह रहा डबल कर दिया जा रहा है, इस केसेस में इसकी जो स्पीड जब डबल हो रही है तो मैग्नेटिक जो यहाँ का फील्ड होगा, मैग्नेटिक फील्ड की बात करते हैं तो यह इक्वल टू अभी आपने जस्ट पढ़ा कई बार कि qvb, तो ये इक्वल हो जाएगा, यानी जो यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड है वो जो सेंटीपेटल फोर्स की क्या होंगे इक्वल हो जाएंगे, तो ये चीज़ यहाँ होती है, चाहे यहाँ होते हैं दोनों का रिलेशन है कि वो हमारा आंसर हो जाएगा, तो सिंपल सा देख पाओगे ना यहाँ पे कि क्या यहाँ पर जाएगा qvb = mv² / r ठीक है, कुछ कह रहा है देन द रेडियस ऑफ द सर्कुलर पाथ विल बी कि इसके रेडियस कितनी होगी, तो रेडियस कितनी होगी तो आप क्या करिएगा, आप यहाँ पे रेडियस की बात की जा रही थी, इसका मल्टीप्लाई बाकी से क्या होता है डिवाइड कर दीजिए, r = क्या जाएगा mv²
by the U B V, right? तो क्वेश्चन में यहाँ पर दे रखा है कि सर्कुलर पाथ जब इसकी रेडियस की बात कर रहे हैं तो कितना है, डबल है स्पीड ऑफ लाइट, यहाँ पे डबल की बातें की जा रही है, तो डबल की बातें की जा रही है, तो यानी इसमें क्या होगा, मास क्यू बी ये जो है, और यहाँ से देखिए कि से इतनी आज क्या है, कैंसिल कर दीजिए, यानी आर इक्वल टू रिलेशन बनेगा एम बी बाय द क्यू बी बनेगा, ठीक है। तो यहाँ पर आप इस केसेस में ये जो है क्या होंगे, एक दूसरे का जो है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होंगे, तो डेट मीन्स यहाँ पर लिख सकते हो कि रेडियस इज द डायरेक्टली प्रोपोर्शनल ऑफ द वेलोसिटी, और इस केस में यदि यह डबल है और यहाँ पर टू है तो दोनों की मल्टीप्लाई कर दीजिए, कितना जाएगा, टू फोर, यानी फोर सेंटीमीटर के यहाँ पर क्या हो जाएगा, रेडियस हो जाएगा, ठीक है, आपसे मिलीमीटर फोर सेंटीमीटर। सिर्फ इसमें क्या करना था, यहाँ पे आर है यम क्यू जी बी, यहाँ कितना इसकी स्पीड कितनी, दोगुनी करेंगे, दोगुनी करेंगे वहाँ से मल्टीप्लाई कर देंगे, दोगुनी करेंगे तो क्या है, यहाँ पे कुछ ना कुछ इसकी जो रेडियस होगा वो इस तरह से आएगा, इसकी वैल्यूएशन रखेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा रेडियस दो तेरा दो सेंटीमीटर, दोगुनी के साथ चल रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे उसकी सर्कुलर पाथ कितनी हो जाएगी, यहाँ पे ऐसे रख दीजिए सर्कुलर पाथ होता है, यानी यहाँ पे सर्कुलर पाथ जो हमारा हो सर्कुलर पाथ चले बच्चा आते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कर रहा है, इलेक्ट्रॉन ऑफ द काइनेटिक एनर्जी 50 केजी इलेक्ट्रॉन वोल्ट इन द डिस्क्राइबिंग द सर्कुलर ऑर्बिट ऑफ द रेडियस 0.5 सेंटीमीटर इन अ प्लेन परपेंडिकुलर मैग्नीट्यूड फील्ड बी द काइनेटिक एनर्जी ऑफ द प्रोटॉन दैट डिस्क्राइब अ सर्कुलर ऑर्बिट ऑफ रेडियस 0.5 मीटर इन मैग्नेटिक फील्ड बी इज, मैग्नेटिक फील्ड की बातें की जा रही हैं। तो जब मैग्नेटिक फील्ड की बात की जा रही है और जब यहीं पर डिस्क्राइबिंग कर रहा है कि सर्कुलर पाथ पे, तो जब सर्कुलर पाथ पे डिस्क्राइबिंग है तो सिंपल सा जो आप यहाँ सोच सकती हो कि यहाँ से यहाँ तक का जो रेडियस हमारा आर है, और जब यहाँ से यहाँ तक रेडियस आर है तो इस केसेस पे यहाँ पर जो फोर्सेज हैं इसका जब हम सेंट्रीपेटल फोर्सेज फाइंड आउट करते हैं एफ सी और सब सेंट्रीपेटल का अभी जस्ट आपने देखा क्या हो जाएगा या फिर बी स्क्वायर बाई आर हो गया, और ये मैग्नेटिक फील्ड भी इसी पे अप्लाई है, जब मैग्नेटिक फील्ड भी अप्लाई है यम यहाँ पे यम इक्वल टू क्यू बी वी, ये दोनों इसकी इक्वल हुआ, चाहे यहाँ पुट करना चाहे वहाँ पुट करें, क्यू बी वी इक्वल टू यम बी स्क्वायर बाई बाई आर होगा, ठीक है। कितनी यहाँ ये कह रहा ना कि काइनेटिक एनर्जी की बात कर रहा है, काइनेटिक एनर्जी कैसे आएगा, एंड सिंपल सा कितनी है काइनेटिक एनर्जी एम बी स्क्वायर फिर होता है हाफ एम बी स्क्वायर, तो एम बी तो वही है बस देर इज नॉट टू, तो तुरंत दिमाग का रही यार टू हमें काइनेटिक एनर्जी इलेक्ट्रॉन नॉट टू नहीं है, तो वाई नॉट मल्टीप्लाई द ऑन बोथ साइड टू से मल्टीप्लाई यानी टू से डिवाइड कर दो, जैसे हम सोचो दो से मल्टीप्लाई और दो से डिवाइड, ठीक है। तो आप सोचिए क्यू बी भी इक्वल टू हाफ एम बी स्क्वायर कितना आ जाएगा टू बाई आर, राइट टू बाई आर हो गया, आप बताइए ये ही हमारा क्या हो गया काइनेटिक एनर्जी हो गया, राइट काइनेटिक एनर्जी क्या होता है बचा क्या आपका क्यू बी भी इक्वल टू के और यहाँ पे टू बाई
किलो इलेक्ट्रॉन वोल्ट की बात बोला, ठीक है। अब ये किलो इलेक्ट्रॉन वोल्ट की बात कर रही है कि यहाँ पे आप हमें चेंज करने की जरूरत नहीं, ठीक है। अब सोचिए इस केस में जो यहाँ पे दे रखा है तो कितना दे दिया हमारा 50, हाँ। तो क्यू बी वी आर बाई टू इक्वल टू 50। आप सर को भी देखते रहना चाहिए कंपटीशन में, ये नहीं बोर्ड की तरह सॉल्व कर रहे हैं ना। देखिए 25 50 50 से देखता है तो कितना जल्दीबाजी में 50 मान आ गया, ठीक है। यहाँ सिंपल से प्रश्न कर लीजिए कितना दे पाता है 100 हो जाएगा। अब इसी 100 को लिया क्या कराया यहाँ पे कि 0.5 मीटर रेडियस इन द मैग्नेटिक फील्ड ऑफ द बी, यानी बी की वैल्यू बस आर पुट करने के लिए बात कर रहा है, यानी यहाँ पे 0.2 यदि हम आर वैल्यू पुट भी करें ना 0.5 मतलब क्या हो गया इन हुआ। देखिए 0.5 मतलब इतना आधा लिख सकते हैं, ठीक है। चाहे 2 से मल्टीप्लाई किए चाहे 2 से डिवाइड के बाद नहीं हो जाएगा, ठीक है। और यहाँ क्या था मैग्नेटिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड यहाँ पे क्यू बी वी आने पर आर हो गया, यहाँ पे बी बच गया, और यहाँ पे वी और क्यू दोनों एक दूसरे के क्या वी इक्वल टू 1/2 क्यू। देखिए वी के जगह यदि रखेंगे 1/2 तो क्यू से क्यू बढ़ जाएगा, आर क्यू 1/2 तो यह भी, ठीक है। 100 हमारा आंसर हो जाएगा, राइट, ठीक है। अब इसी को यदि हम शॉर्टकट में करते हैं हम लोग, तो देखिए शॉर्टकट के लिए आपको इनको बता दे रहे हैं कंपनी में कैसे शॉर्टकट को आपको पढ़ाया जाता है कि जब यहाँ पे रिलेशन हमारा बन के आ गया ना क्यू बी वी आर इक्वल टू यहाँ पे के ए था, ठीक है। अब बाई टू भी था तो दो से मल्टीप्लाई कर देंगे, अब क्यू अब वेलोसिटी है 1/3 यहाँ पे बी आर इक्वल टू 2 के ऐसे कर गया था, यानी बी आर इक्वल टू 2 के, ठीक है 2 के हो गया। और यहाँ पर देखना आर की वैल्यू कितना दे रहा है, बस यही फॉर्मूला लगा देना था। तो यहाँ पे देखिए 2 और के इक्वल टू 50 तो गुना आपका सीधा सॉल्व हो जाएगा। और यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड आपका मैग्नेटिक फील्ड है, ठीक है। आर की वैल्यू आपका जितना रहेगा कभी कभी 1 पे पूछ लेता है, कभी मान ली 1 पे पूछा कभी आधा पे पूछ लेगा, कभी थर्ड पे पूछ लेगा तो थर्ड कौन से कितना होगा 1.5 बस इतना ही होता है, क्लियर। बहुत सिंपल तरीके से आप सॉल्व कर सकते हैं। मॉक टेस्ट पेपर डेली आपका 30-35-40 क्वेश्चन धड़ाधड़ लगाएंगे, और जो भी आपकी डाउट है पूछते रहिए, हर समस्याओं का समाधान आप जो है पा पाएंगे और बेस्ट रिजल्ट आ जाएगा आपको। अब आते हैं हम लोग अगला क्वेश्चन, जो बहुत अच्छे लेवल पे जो है आपका उठा रहा है, बहुत ज़्यादा आपको देखने मिलता है नीट में भी, बहुत ज़्यादा आपका किस तरह से थोड़ा सा डाइवर्ट करता है क्वेश्चन कि आप सोचिए मैग्नेटिक फील्ड में एरिया को अवतरण को लेकर जो किस तरह से डाइवर्ट करने वाला क्वेश्चन कुछ मिलता है कि मैग्नेटिक मोमेंटम की बातें कर लेता है कि मैग्नेटिक मोमेंटम कितना होना चाहिए, मैग्नेटिक मोमेंटम वो भी किस पाथ पे सर्कुलर पाथ पर, सर्कुलर पाथ पे जो सेंट्रीपेटल फोर्स लगा उसकी बात अलग है, मैग्नेटिक फील्ड लगा उसकी बात अलग है, इलेक्ट्रिक फील्ड भी लगा उसकी बात अलग है, लेकिन यहाँ पे जो है क्या सर्कुलर मैग्नेटिक मोमेंट की बातें की जा रही है। तो जब मोमेंट की बातें की जा रही है तो यहाँ पर अपना सिंपल सही सोचना है कि चलो ठीक है ये वो है और ये है, तो इनकी बीच की जो रेडियस हमने लिख लिया वो इक्वल टू क्या हो गया हमारे रेडियस हो गया, रेडियस हो गया आर हो गया, ठीक है। अच्छा यहाँ पर ओ ए इक्वल टू स्मॉल आर कैपिटल आर ये मोमेंट पर डिपेंड करता है हम क्या सब कुछ करते हैं, ठीक है। तो सिंपल सा जो मोमेंटम आपका मैग्नेटिक मोमेंटम होता है वो ये डिफाइन करता है कि जो कि इसके चारों तरफ मूव करेंगे क्या करेंगे, करंट मूव रहे हैं ऐसे करंट जो उसमें रिलीज होगा तभी तो ना आपको मतलब बताया जाएगा कि यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड क्या इलेक्ट्रिक के और यहाँ पर जो है इन दोनों का सम ऑफ इन होता है एक हेड जो है नेट फोर्स होता है,
इज सम ऑफ इलेक्ट्रिक फोर्स एंड मैग्नेटिक फोर्स इज इक्वल टू नेट फोर्स। तब जब नेट फोर्स दे रहा है तो यहाँ पर रेडियस है, ठीक है। आज यदि इसको हम फोर्स लगा रहे हैं तो ये चारों तरफ से घूमेगा, तो मैग्नेटिक यहाँ मैग्नेटिक फील्ड से यहाँ पे हमारा करंट रिलीज होगा। करंट रिलीज होगा, कितना करंट रिलीज होगा ये नहीं मालूम है, वी डोंट नो व्हाट इज द करंट हियर, कि यहाँ पे कितनी करंट रिलीज है। लेकिन ये करंट के साथ साथ ये भी देखिए, ये इसका एरिया पे भी डिपेंड करेगा। सर्कुलर पाथ है तो सर्कुलर पाथ का क्या होगा, एरिया भी कुछ होगा, ठीक है। तो सर्कुलर का एरिया जब होगा तो सिंपल सा बता सकते हैं कि यहाँ पर जो है नंबर ऑफ कॉइलिंग, नंबर ऑफ कॉइल कि कितने बार जो है घूमेगा, एक दो बार तीन बार, जब जो इसलिए मैंने नंबर ऑफ कॉइल यह ले लिया, ठीक है। विथ प्रोडक्ट ऑफ करंट, प्रोडक्ट ऑफ करंट ऑफ एरिया, एरिया हो गया। तो यम से डिनोट कर देते हैं, नंबर ऑफ यन हो गया और यहाँ पे करंट क्या हो गया आई और यहाँ हो गया ए, तो यम इक्वल टू यन आई ए, क्या हो गया हमारा यन आई ए, ठीक है। अच्छा यन यन आई ए हो गया तो यहाँ पे सिंपल सा हम यम निकाल देंगे, तो फेरों की संख्या देख लेते कितना है, करंट कितना है, उसकी एरिया कितना है, रख के यू कर लेंगे तो मैंने आपका यही कर देते मैंने मोमेंटम भी कर देते। लेकिन कभी कभी इतनी पे क्या कर रहा, बड़ी चालाकी से जो है यहाँ पे रेडियस दे दिया ना, इसका यहाँ से दिया क्या कहेगा कि स्पीयर में स्पीयर के लिए फॉर्मूला क्या होता है, गोले की स्पीयर के लिए फॉर्मूला ओ पाई, ये हो गया। तो यहाँ पर बताइए एरिया आप इस तरह देते हैं रेडियस देते हैं आठ नौ तो सोचे पर यार हम तो फॉर्मूला जाते हैं ना ये होता है, लेकिन यहाँ पर जो है आठ दे दिया। आप सुन वो एरिया इक्वल टू होता है फॉर्मूला फोर पाई आर स्क्वायर होता है, तो क्यों ना इसी चीज़ यहाँ लागू करते हैं। जब यहाँ पुट करेंगे तो सिंपल सा देख पाएंगे कि यम इक्वल टू यन आई यहाँ पे फोर पाई आर स्क्वायर, तो यम इक्वल टू फोर पाई आगे लिख देते हैं यन आई आर स्क्वायर, ये हो जाएगा। कभी कभी दो बॉडी को लेकर एक ही साथ बताया जाता है कि मान लीजिए यहाँ पे एक जो है कोई बॉडी जो है आप ऐसे रोटेशन कर रहे हैं, दो को एक साथ करना शुरू कर दीजिए, कि जब दो बॉडी एक साथ मूव करना शुरू कर देंगे, ठीक है, तो क्या होगा, क्यों दो बॉडी लेकर क्यों दो बॉडी क्या असर करेगा, क्योंकि अर्थ है, मून है, और भी अदर प्लानेट है, ठीक है, मार्स हैं, तो ये कैसे मूव करते हैं, कैसे घूमते हैं सब, और कैसे रुके हुए हैं, क्योंकि ये जो है क्या यहाँ पे मैनेजमेंट करता हूँ, तो एक आर्बिटल बेटर मिल गया, उसी आर्बिटल में क्या करते रहते हैं घूमते रहते हैं, इससे वो जो है पूरी नेचर चल रही है। अभी जो अपने आर्बिटल से थोड़ा बाहर हो जाए तो धड़ाधड़ गिर जाएंगे, धरती तबाह हो जाएगी, हर चीज गायब हो जाएगा, मतलब कोलाइजेशन होने लगेगी। तो ठीक वही रीजन है कि इसको एक फीट जो है ऑर्बिटर मिलने से जो है ये सब क्या कर रहा है मूव कर रहे हैं। तो क्वेश्चन आपका ये बनेगा कि यदि मैं सपोज कर रहा हूँ एक बॉडी इस तरह से मूव कर रहा है, दूसरा बॉडी मूव कर रहा है, तो उन दोनों का टोटल कितना मैग्नेटिक होगा, मैग्नेटिक मोमेंटम कितना होगा। तो ऐसे सिंपल सा सपोज कर लीजिएगा कि हमारे लिए फर्स्ट बॉडी है एम वन इक्वल टू फोर पाई यन आई आर वन स्क्वायर, नंबर आप यहाँ पर इक्वल ले लीजिएगा एन वन आई वन, और दूसरा बॉडी रहेगा यहाँ पर फोर पाई एन टू आई टू एन आर टू का स्क्वायर। तो बीच में अधिकतर जो आप देखती हैं क्या रेशियो अधिक पूछे जाते हैं, तो रेशियो अधिक पूछे जाते हैं। अरे भाई ये जैसे शिवम दैदे बा एक हाई स्कूल पर शिक्षक भेजने के तब पर कितने दिखना अपना आई वन आर वन का स्क्वायर आप फोर पाई हाँ एन वन आई टू एन आर टू का अरे वो सॉरी तो पाई कल भेजे भाई ये राशियों में कैंसिल हो गया पिछवा लो दो दे दो दे दो तो यहाँ पर सिंपल से देख पाएंगे चौमान मान कल भेजे भाई एन वन अब आई टू का भेजे भाई एन टू आई वन मान आई टू और आर वन मान अरे तो दिवाला दिवाला एन टू मतलब नीचे एन वन कितना दिवाला अरे यहाँ कितना अब ये दोनों क्या है इक्वल हो जाए यहाँ पे रेस हो सकता है यहाँ पे रूट में जुड़ी देगा तो देखा दिया जाए कि नंबर ऑफ फेरों की संख्या जो है ये क्या करंट इक्वल हो जा रहा है। तो जब करंट इक्वल हो जा रहा है तो बेसिकली हम लोग क्या कहने मान लगाएंगे बेसिकली ये लगाया जाएगा एन वन और एन टू यदि एक दूसरे के इक्वल है तो क्या हो जाएगा यहाँ पे सिंपल एम वन अपान एम टू ऐसे कैसे हो जाएगा कि आई टू अपान आई वन इक्वल टू क्या देगा आर वन अपान आर टू
आयुष्मान कार्ड का क्या था शुरू में, यहाँ से आप इंडियन के जो क्वेश्चन तैयार हो जाते हैं, यहाँ से आप इंडियन क्वेश्चन तैयार हो जाते हैं। तो ये इसलिए जो है मैथमेटिक्स में जो है बच्चे जो है उतना से पकड़ नहीं बना पाते हैं, इसको उनका बन नहीं पाता, अपने नंबर जो उनका गैप रहता है। अब सिंपल सा क्वेश्चन उठा दें, अगर फाइंड द रेडियस ऑफ द मैग्नेटिक मोमेंटम, आप मैग्नेटिक मोमेंटम का कि मान लिया क्वेश्चन उठा दिया कि मैग्नेटिक मोमेंटम 100 है और दूसरे बॉडी के लिए 144 है, और यहाँ पे भी कर दिया जाए कि दोनों जो है करंट आई वन और करंट आई टू दोनों इक्वल है, तो वहाँ पे रेडियस कितना होगा, रेडियस का रेशियो कितना होगा, अब क्या करोगे, ये कर दो धारा से यहाँ पे स्क्वायर मिल गया है, दोनों एक दूसरे के इक्वल है, आई वन और आई वन कट जाएगा, इसलिए कितना हो गया 100, ऐसे कितना हो गया 144 और आर और पाँच आर टू के रूप में है, तो 10 रेशियो कितना जाएगा 12। अब लगाते रहिए इतना और लगाते रहिए, ठीक है, ये 100 का जो स्क्वायर रूट 10 हो जाएगा, आर वन को फर्स्ट वाला जाएगा, अब उसको निकालना चाहिए फैक्टर करके कर लिए, यहाँ से क्वेश्चन बन गया, बीच में जो पाई वाला रहता है उसको रेशियो कर देते हैं। आज हनुमान जी का स्पेशल डे वैसे तो हमेशा रहता है, तो लॉर्ड हनुमान जन्मोत्सव की बातें जो की जाती हैं ये हम सभी लोग को समझना चाहिए, कोई भी जात धर्म संप्रदाय से रिलेट वाली बातें नहीं है। यदि आप सोचें तो हनुमान जी का जो पूरा चरित्र है ना, फुल्ली एक ओपनली पुस्तक की तरह है, आप उसको यदि पढ़ें 200% सुबह से पढ़ लिए आप ना, आपकी लाइफ कहाँ से कहाँ पहुँच जाएगी जिसका आप इमेजिनेशन नहीं कर पाएंगे। मेरे पिताजी बताते हैं, कभी कभी हम भी सुनते हैं, वाह क्या कॉन्सेप्ट है, क्या उनकी कॉन्सेप्ट है कि बताइए सब कुछ करते हुए वो कहते हैं कि हम करता नहीं है। और नॉलेज वाले की बात है, देखिए नॉलेज में भूल गए उनको क्रॉस करना है समुद्र, तुरंत माइंड में यह ख्याल है अरे यार ये तो मैं जानता था, क्रॉस कर दिए, थोड़ा हिंट मिला, आपको चाहे हिंट मिले या ना मिले, तो आपके पास भी इतने इस तरह का माइंड जो सेटअप होना चाहिए ना, को क्वेश्चन को देखा अरे यार ये तो पढ़ चुकी है, ये क्वेश्चन पूछा है, धड़ाधड़ क्वेश्चन सॉल्व हो गया। तो ये सब चीज़ें आपके लिए बहुत ज़्यादा आसान होगी जब आप करेंगे तो आप ये सीख लीजिए। हनुमान जी वैसे तो आप धर्म के बेस पे भी जा सकते हैं नहीं भी जा सकते हैं, ये जो टाइम मैनेजमेंट है ना, ये उन्हीं टाइम में हुआ, लोग बताते हैं कलयुग की जो समय चल रहा है ये जो है ये अभी ये प्रारंभिक कलयुग थोड़ी ना, कई बार पास हो चुके हैं, साइकिल चल रही है, इसी में आपके टाइम मैनेजमेंट के साथ जो है आपको अपना टारगेट तय जो कर चुके हैं कि भैया यस मुझे सिविल सेवा में जाना है, इंजीनियर बनना है, डॉक्टर बनना है, टिकट टीचर बनना है, दुनिया की कोई भी सर्विस हमें करना है, अदरवाइज बिजनेस को सेटअप करना है, तो वो सब चीज़ें करने का जो जज्बा होना चाहिए वो आएगा जब आप करेंगे तो। विषम परिस्थितियों में जो है आप मेहनत करना सीखिए, थोड़ा सा मन आपका जो घबराएगा बैठ जाइए शांत से, अपने इष्ट को अपने गॉड को लाइक हनुमान जो जिसको आप सपोज करते हो मानते हो ठीक है, उनको जो है आप याद करो और अपने सांसों को रोक के जो है आप चलो अब आगे बढ़ते हैं। लोग क्वेश्चन आपका यह है, ध्यान देंगे ध्यान से, तो स्पेशली क्या कह रहा है कि ए कंडक्टर ऑफ लेंथ 0.4
मीटर इज अ मूविंग विद स्पीड ऑफ 7 मीटर पर सेकंड परपेंडिकुलर टू द मैग्नेटिक फील्ड ऑफ इंटेंसिटी 0.9 वेबर पर मीटर स्क्वायर द इंड्यूस्ड ईएमएफ अक्रॉस द कंडक्टर इज इन द गिवन ऑप्शन। तो जल्दी बच्चे यहां पर आपको यह समझना है कि पढ़ चुके कंडक्टर लेंथ है तो देन इज यहां पे लेंथ की वैल्यू एल दे दिया और यहां पे स्पीड आप बी का लीजिए ठीक है एंड देयर इज आल्सो व्हाट इज बी दे दिया। तो सिंपल सा आप लिख के लें यहां पे फाइंड आउट करना है क्या ईएमएफ इक्वल टू आप देखेंगे बी वी एल विद साइन थीटा ये होता है ठीक है। तो जल्दी आप देखिए यहाँ पे बी बी वी एल बी यहाँ पे बी के जगह देखिए 0.9 एंड बी स्पीड वही वेलोसिटी ठीक है 7 हो गया एंड व्हाट इज द लेंथ 0.5 मीटर एंड देयर इज अ 90 परपेंडिकुलर 90 डिग्री देखिए ये पे सब मिल गया sin 90 वन हो जाएगा ठीक है। अब यहाँ पे सिंपल सा क्या कर देंगे आप मल्टीप्लाई कर दीजिए 9 7 63 इन कैरी द डेसिमल वन डिजिट पे आया हम कितना जगह 4 1 4 ऐसे फिर इसका मल्टीप्लाई कर दीजिए तो कितना जगह 4 3 12 आप 4 6 24 24 1 25 डेसिमल टू डिजिट पे 2.52 नाउ चेक इन दिस इज योर सेकंड ऑप्शन ठीक हो जाएगा ठीक है। कभी कभी आप लोग का जो ईडी करंट था ईडी करंट को एक हम सेकंड नाम से बोलते हैं क्या फाउ कोल्ड फाउ कोल्ड का ना फाउ कोल्ड फाउ कोल्ड के नाम से हम लोग जानते हैं ठीक है। इसके स्पेशली क्या होता है कि ये जो करंट होते हैं ईडी करंट को ये जल्दी क्या करता है एक इस तरह से इंटर्न कराता है और वहाँ पे उसके जो मेटल इफेक्ट होते हैं ना मेटल इफेक्ट को ये एक तरह से जनरेट करने का काम कर रहा होता है तो यहाँ पर हम ईडी करंट का नाम लेते हैं और फॉल्ट करंट नाम से भी जानते हैं ठीक है। इस पे भी आपके क्वेश्चन बनते रहते हैं तो जनरली बस इसमें आपको यही चीज लगाना था कि ईएमएफ इक्वल टू बी वी एल साइन थीटा और इस पे रख देना था आ जाता है सिंपल सा आंसर आ जाता है ठीक है। फिर नोट कीजिए फिर आगे बताते हैं।